सो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे ऑल थिंक यूट्यूब चैनल वीडियोज़ में। फ्रेंड्स, मैं आपको SSC GD के फ्रेंड्स आज फुल डिटेल में बताऊंगा नोटिफिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, ये वीडियो फ्रेंड्स बस सिर्फ दो ही पार्ट में होगी, कोई एक्स्ट्रा थर्ड पार्ट नहीं बनेगा। फ्रेंड्स, बस मैं दो ही पार्ट में आपको सब क्लियर कर दूँगा सब कुछ। तो फ्रेंड्स, बने रहिए फ्रेंड्स इस चैनल पे। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स चैनल को, और फ्रेंड्स लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और फ्रेंड्स शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स आपको किसी फ्रेंड्स क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो, तो फ्रेंड्स आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जा सकते हैं, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन दिया। फ्रेंड्स, वहाँ जाए मुझे फॉलो करें और आप अपना क्वेश्चन लीव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में फ्रेंड्स पहले मैं आपको नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स फिर सेकंड पार्ट में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा, इसमें आपको क्या क्या चीज़ गलती नहीं करनी है जिससे आपका रजिस्ट्रेशन हट ना जाए। मतलब सेकंड वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर इसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन है उसमें अगर आपने कुछ गलती की तो फ्रेंड्स फिर आप आगे रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं सेकंड पार्ट में इसके बारे में डिस्कस करूँगा। फ्रेंड्स, मैं इस पार्ट में फ्रेंड्स आपको नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो फ्रेंड्स थोड़ी लंबी होगी फ्रेंड्स, लेकिन ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि एक वीडियो से फ्रेंड्स आपका फॉर्म अच्छे से भर सकता है और आप आगे एग्ज़ाम दे सकते हैं। फ्रेंड्स इस नोटिफिकेशन फ्रेंड्स आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स, ssc.nic.in। तो फ्रेंड्स, इस नोटिफिकेशन फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC GD। मैं इसमें बताऊंगा फ्रेंड्स, आप जब प्रेफरेंस डालेंगे तो फ्रेंड्स इसमें कुछ कोड वर्ड है वो कैसे डालेंगे आप। तो फ्रेंड्स, पहले मैं बताता हूँ आपको इसके बारे में फ्रेंड्स, SSC GD। तो फ्रेंड्स, SSC GD में आपका कुल 54,953 वैकेंसी है, मतलब 54,953 वैकेंसी है टोटल वैकेंसी, मेल की अलग है फीमेल की अलग है। तो फ्रेंड्स, इस वैकेंसी में फ्रेंड्स ज़्यादा वैकेंसी इसमें आपको BSF में मिलेगी, फिर CRPF में मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आप इनमें भर सकते हैं फॉर्म। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, ये देख सकते फ्रेंड्स ब्लू में फ्रेंड्स इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताता हूँ फ्रेंड्स, आपको BSF में फ्रेंड्स टोटल मेल के लिए 14,436 और फीमेल के लिए 16,984। फिर CISF में 180 है टोटल मेल के लिए और फीमेल के लिए है 200। फिर CRPF के लिए है मेल के लिए 19,972 और फीमेल के लिए है 21,566। SSP के लिए फ्रेंड्स मेल के लिए है 6,521 और फीमेल के लिए है 8,546। IDBP के लिए फ्रेंड्स 3,000 मेल के लिए 3,507 और फीमेल के लिए 4,126। AR में है फ्रेंड्स मेल के लिए 2,311 और फ्रेंड्स फीमेल के लिए है 3,076। मेल के लिए है NIA में है 8 पोस्ट और फीमेल के लिए भी 8 पोस्ट। फिर SSF में है मेल के लिए 372 और फीमेल के लिए है 447। तो फ्रेंड्स, तो मैं अब आपको पोस्ट के बारे में पता चलेगी कितनी है फ्रेंड्स। तो इसमें पे स्केल होगी आपकी 21,700 ले से लेके 69,100। ये SSC GD टोटल वैकेंसी है 54,953। तो फ्रेंड्स, हम नीचे चलते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको इसमें पहले एज के बारे में बताता हूँ फ्रेंड्स। इसमें एज जनरल के लिए है 18 से 23 इयर्स ओल्ड। ओके फ्रेंड्स, कैंडिडेट शुड नॉट हैव टू बॉर्न अर्लियर देन 2 अगस्त 1995 एंड लेटर टू 1-8-2000। तो फ्रेंड्स, इसी के बीच में फ्रेंड्स आपकी एज रहनी चाहिए फ्रेंड्स। नोट वन, द अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेशन फॉर SC ST और OBC एक्स सर्विस मैन हैज टू अदर कैटेगरी ऑफ पर्सन इज अकॉर्डिंग विद द गवर्नमेंट ऑर्डर ऑन सब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, इसमें SC ST और OBC और एक्स सर्विस मैन के फ्रेंड्स रिलैक्सेशन मिली है फ्रेंड्स। पहले आपको SC ST के फ्रेंड्स 5 साल की रिलैक्सेशन है फ्रेंड्स, OBC के लिए 3 साल की रिलैक्सेशन है फ्रेंड्स, एक्स सर्विस मैन के लिए 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस 3 साल की रिलैक्सेशन। तो फ्रेंड्स, आप इसको पढ़ सकते हैं। और फ्रेंड्स, हम नीचे चलते हैं फ्रेंड्स। नीचे मैं बताता हूँ फ्रेंड्स आपको क्या क्या इसमें मेन पॉइंट है जो मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं नीचे चल रहा हूँ फ्रेंड्स। अब देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन थोड़ी बड़ी है
45 पेज की नोटिफिकेशन है। तो फ्रेंड्स आपकी एप्लीकेशन फ़ी है 100 रुपीज़, और फी कैन बी पेड SBI चालान, SBI नेट बैंकिंग और बाय यूजिंग वीज़ा, मास्टर कार्ड, क्रेडिट डेबिट कार्ड। तो फ्रेंड्स वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्रेल एंड एक्स सर्विसमैन एलिजिबल रिकमेंड टू एग्जांपल फॉर पेमेंट टू फी। फ्रेंड्स तो फी ऑन पेड विल बी नॉट बी रिफंडेड अंडर द सब्सक्रिप्शन। तो फ्रेंड्स ये सब ऐसी है। तो फ्रेंड्स मैं अब आपको आगे बताता हूँ फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसकी फ्रेंड्स जो एप्लीकेशन शुरू हुई थी आपकी, अब इस रजिस्ट्रेशन फ्रेंड्स 17 तारीख से शुरू हुई है, मतलब कल से शुरू हुई है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, इसकी ये 17 सितंबर तक लास्ट डेट होगी। आई थिंक इसकी डेट बढ़ भी सकती है, 30 सितंबर तक भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। सबसे मेन पॉइंट फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स क्या है इसमें। सबसे मेन पॉइंट मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, जब आप अपना सेंटर भरेंगे तो फ्रेंड्स उस फॉर्म में फ्रेंड्स आपके 3 सेंटर मांगेंगे, आपसे 3 सेंटर पूछेंगे। तो फ्रेंड्स आपके जो पास में कोई जो 3 सेंटर हो फ्रेंड्स वही डाले। ये देखिए फ्रेंड्स सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें से फ्रेंड्स आपको उसमें 3 सेंटर मांगेंगे। पहला आप वो सेंटर दीजिए जो आपको जहाँ पे आपका मन हो, और 2 सेंटर वो दीजिए जो आपके थोड़े आसपास दूर में हो। तो इसमें आप 3 सेंटर डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, और इसमें पहले फ्रेंड्स, और ये मैं बताता हूँ आपको इसका एग्ज़ाम फ्रेंड्स आपका अगले साल 2019 में जनवरी और फरवरी के बीच में होगा, ये कन्फर्म है। क्योंकि फ्रेंड्स अभी SSC CGL के 2 एग्ज़ाम होंगे, SSC के फ्रेंड्स बहुत एग्ज़ाम होने वाले हैं इस साल में। तो इस साल SSC GD के नहीं होंगे, आपके पास बहुत टाइम है, तो जनवरी या फरवरी में होंगे। तो फ्रेंड्स इसमें आपको 4 सब्जेक्ट होंगे, इसमें जनरल इंटेलिजेंस जो 25 मार्क्स का होगा, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस आपका 25 मार्क्स होगा, फिर मैथ्स आपका 25 मार्क्स होगा, इंग्लिश एंड हिंदी आपका 25 मार्क्स होगा। जो इंग्लिश हिंदी में से फ्रेंड्स आप एक चूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये 90 मिनट का पेपर होगा फ्रेंड्स। ये बताऊँ फ्रेंड्स इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है फ्रेंड्स, आप 100 के 100 अटेम्प्ट करके आइएगा फ्रेंड्स, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो फ्रेंड्स ये सिलेबस है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सिलेबस के बारे में फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स नीचे चलते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स फिर फिज़िकल के बारे में बताता हूँ फ्रेंड्स। जो फिज़िकल है मेल के लिए है 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको करना है, और फॉर फीमेल के लिए है 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर आपको 8.5 मिनट में करनी है। फॉर कैंडिडेट लद्दाख फ्रेंड्स, जो लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स, उसको 1 किलोमीटर करना 6.5 मिनट में, और फीमेल के लिए 800 मीटर 4 मिनट में। तो फ्रेंड्स उसके बाद फ्रेंड्स अब हम इसमें आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट करना होते हैं फ्रेंड्स। जनरल SC OBC कैंडिडेट दोज मिलिटेड बिलो, उस मेल में है 170 सेंटीमीटर हाइट, और फीमेल के लिए है 157 सेंटीमीटर हाइट, जनरल SC और OBC। और फ्रेंड्स इसमें कुछ रिलैक्सेशंस मिली है, तो बिलो शेड्यूल कास्ट वगैरह के लिए फ्रेंड्स वो भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको मेन पॉइंट बताया था फ्रेंड्स इस वीडियो में फ्रेंड्स। अब हाँ फ्रेंड्स इसमें आपको बताता हूँ फ्रेंड्स सबसे मेन क्या है फ्रेंड्स, आप इसमें आपको 10th की मार्कशीट लगानी है, आप जो रिकॉग्नाइज बोर्ड है वो 10th की मार्कशीट लगाएं। और नीचे चलते हैं फिर आपके फ्रेंड्स इसमें आईज वगैरह टेस्ट होंगी, इसमें 6x6 आईज रहनी चाहिए, 6x9 आईज रहनी चाहिए। और फ्रेंड्स इसमें आपको बताता हूँ इसमें और क्या क्या मेन पॉइंट है, जो जो मेन पॉइंट है फ्रेंड्स मैं वो बता रहा हूँ। फिर फ्रेंड्स अगले वीडियो में फ्रेंड्स आपको बताऊँ कि कैसे सावधानी से आपको फॉर्म भरना है। तो फ्रेंड्स दोनों वीडियो देखिएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये देखिए फ्रेंड्स जो मैं आपके इस बारे में बताया था फ्रेंड्स, जो BSF फर्स्ट है BSF, फिर सेकंड है CISF, थर्ड है CRPF, फिर फोर्थ है SSB, फिफ्थ है फ्रेंड्स, सिक्स्थ है फ्रेंड्स IDBP, सेवन्थ है आपका असम राइफल, एट्थ है आपका NIA, फिर नाइन्थ है आपका SSF। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जैसे BSF के साइड में ई लिखा है तो फ्रेंड्स वो कोड है, जैसे CISF के साइड में F लिखा, CISF में के फ्रेंड्स साइड में B लिखा है, कोड है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये BSF, फिर से बता दूँ BSF के आगे लिखा है A ब्रैकेट में अल्फाबेट कैप्स में लिखा है। तो फ्रेंड्स यही आपको डालना है कोड, उसमें कोड और मांगेगा फ्रेंड्स जब आप अप्लाई करेंगे फॉर्म, तो उसमें आपको ये कोड डालना है ABCD। जैसे आपको पहले आप जैसे
SSF का भरेंगे तो पहले H डालेंगे, फिर NIA का डालेंगे, फिर G डालेंगे, फिर असम राइफल डालेंगे, फिर F डालेंगे, ऐसे ही आप कोड डालेंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये बता देता हूँ फ्रेंड्स। फिर आपको मैं बताता हूँ फ्रेंड्स आगे, इसमें आपको जनरल एंड एक्स सर्विसमैन के लिए फ्रेंड्स 35% चाहिए पासिंग के लिए, फिजिकल टेस्ट के लिए। जो CBT टेस्ट को आप क्लियर करेंगे 35% से, तब आपको फिजिकल में जाएंगे आप। SC ST OBC के लिए 33% चाहिए। तो फ्रेंड्स यही थी फ्रेंड्स इस वीडियो में, इस वीडियो में बताना चाहता कि क्या क्या डिटेल है इसमें, क्या क्या है मेन पॉइंट्स फ्रेंड्स। इसी में इतने ही कुछ मेन पॉइंट है जो मैंने बताया फ्रेंड्स। फ्रेंड्स लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स इस वीडियो को, फ्रेंड्स शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स चैनल को फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स दूसरा पार्ट आने वाला है SCGD का फ्रेंड्स। ये बस ये दो पार्ट रहेंगे जिसमें आपको पूरी क्लियर कर दूंगा मैं फ्रेंड्स। सेकंड पार्ट में बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे आपको अच्छे से फॉर्म भरना है, क्या आपको फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब कुछ बताऊंगा कि आपके मेल में कैसे OTP आएगा, कैसे आपके फ़ोन नंबर पर OTP आएगा। फ्रेंड्स बने रहिए इस चैनल फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स चैनल को, और लाइक कीजिए ज़रूर। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।